तो हेलो माय डियर फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपका डिजाइनर भाई आपको अपने चैनल में आपका स्वागत करता है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग स्केचबुक वाला एप्लीकेशन के अंदर में आप लोग ऑटो स्केचबुक वाला एप्लीकेशन के अंदर में आप लोगों को तो बहुत सारा ब्रश, पेंसिल, मार्कर, टेक्सचर आप लोग बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। लेकिन आप लोग कौन सी चीज़ से आप लोग कैसे एडिटिंग करना, आप लोग कोई चीज़ सिखाता अच्छा से नहीं बताता। ठीक है मेरे भाई, जो कि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नया चीज़ लेकर गया हूँ, हेयर एडिटिंग, जो कि इस टाइम बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग चेकआउट भी कर लीजिएगा, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर उन लोग को भी चैनल पर आप लोग ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका भाई आज से कुछ टाइम पहले आया तो बिल्कुल हेयर एडिटिंग का तरीका जो होता है ना मेरे भाई, वो बिल्कुल आपका भाई मिस्टर फोटो डिजाइनर आपको भाई वो चीज़ तरीका तो बिल्कुल चेंज कर दिया। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल कितना खतरनाक तरीका का आपका भाई हेयर एडिटिंग करता है, जो कि बहुत सारे आप लोगों को भाई का फैन बन चुके हैं। ठीक है मेरे भाई, आप लोग भाई का फैन फॉलोइंग अब धीरे धीरे बढ़ता जाए, बस आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। और 10K सब्सक्राइबर फैमिली, आप लोग की सपोर्ट जो ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे सपोर्ट स्नेह प्यार बस दिखाते रहना आप लोगों को। ठीक है मेरे भाई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इतना खतरनाक तरीके से हम लोग जो हेयर एडिटिंग वो करते हैं। बस आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग कैसे कीजिएगा। जैसे ये वाला इंक पेन है तो मैं इसी वाले इंक पेन से किया हूँ, तो इस वाले इंक पेन को कैसे चलाना रहता है, कितना सेटिंग करना होता है आप लोगों को देखिए, मैं यहाँ का सेटिंग नहीं बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, आप लोग यहाँ का मैं बेसिक का सेटिंग नहीं, बहुत ही एडवांसड सेटिंग बताऊंगा, जो कि आप लोग को पूरे यूट्यूब पर इस टाइप का सेटिंग कोई जल्दी नहीं बताता। ठीक है, आप लोग कोई बताएगा तो मेरे बताने के बाद ही आप लोग को इस टाइप का हेयर एडिटिंग का सेटिंग आप लोगों को कोई बताने वाला है यहाँ से। ठीक है मेरे भाई, आप लोग को पूरा वीडियो वॉच करना होगा, जिससे वजह से आप लोग एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी में सीख जाएगा कि कैसे आप लोगों को फेस को बिल्कुल सॉफ्ट स्मूथ कैसे करना है, हेयर में इस तरीके का एडिटिंग कैसे करना है। तो बस आप लोगों को मैं चलिए दिखाता हूँ कि ये वाला फोटो पहले कैसा था और मैं इसको किस तरीके से एडिटिंग किया हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा, ठीक ना, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोग को फोटो है वो देखिए किस तरीके का दिख रहा है। अभी के टाइम में आप लोग देख सकते हैं मेरा फोटो जो है वो किस तरीके का दिख रहा है, और इसको मैं एडिटिंग करके देखिए मैं किस तरीके से बिल्कुल एकदम अलग ही लुक दे दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, सबसे पहले आप लोग अपने फोटो को फोटो रूम वाले एप्लीकेशन के अंदर में शेयर करना है। तो आप लोग हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को अपने फोटो को सबसे पहले फोटो रूम वाले एप्लीकेशन के अंदर में शेयर कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोग का फोटो है वो फोटो रूम वाले एप्लीकेशन के अंदर में स्कैन हो रहा है। यहाँ से हम लोग क्या क्या चीज़ करेंगे, क्या क्या आप लोग क्या प्रोसेस करना है, बस आप लोग को पूरा वीडियो अच्छे से देख करके समझना है, तभी आप लोग अच्छे से कर पाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हम लोग फोटो रूम वाला एप्लीकेशन अंदर में अब आ चुके हैं। हम लोग यहाँ से क्या चीज़ को कैसे क्या प्रोसेस करना है, क्या चीज़ कैसे कैसे करना है, कितना सेटिंग करना है, कितना चीज़ को कितना पर रखना है, आप लोगों को बस अच्छे से देखना है। तो हम लोग को बैकग्राउंड को ब्लैक करना है, तो हम लोग यहाँ से देखिए ब्लैक एंड वाइट पर क्लिक करेंगे, प्लस में ब्लर भी करना है। तो आप लोग को बताऊँगा कि यहाँ से ब्लैक भी कैसे करना है, ब्लर भी कैसे करना है। ठीक है मेरे भाई, तो एक एक चीज़ पूरा बारीकी में बता रहा हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग आ चुके हैं ब्लैक एंड वाइट वाले ऑप्शन पर। हम लोग को करना क्या होगा, हम लोग को यहाँ पर देखिए पर्सन, यहाँ पर देखिए पर्सन दो ऑप्शन मिलेगा। तो आप लोगों को सबसे पहले बैकग्राउंड जो लिखा हुआ है बैकग्राउंड वाले पर कर देना रहेगा क्लिक। आप लोगों को जैसे ही क्लिक किया जाए तो आप लोग यहाँ पर बहुत सारे नीचे ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोग यहाँ पर देखिए एडजस्ट वाले ऑप्शन पाना, तो हम लोग को बैकग्राउंड को थोड़ा सा हाई क्वालिटी में ब्लैक करना है। तो हम लोग को एडजस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग को बैकग्राउंड में भी अच्छा सा डिटेल डालना है। तो हम लोग एडजस्ट वाले पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हम लोग नीचे के साइड में बहुत सारा ऑप्शन खुल करके आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ओहो कहाँ गया, देख सकते हैं आप लोग यहाँ के साइड में बहुत सारा ऑप्शन खुल करके आ गया। अब आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से हम लोग को देखिए हाईलाइट और लो लाइट और कॉन्ट्रास्ट, यही सारी चीज़ से हम लोग अच्छे से एडिटिंग करेंगे, एडजस्ट करेंगे कौन चीज़ कितना रखना। तो कॉन्ट्रास्ट जो है उसको देखिए हम लोग कितना रखेंगे, कॉन्ट्रास्ट को हम लोग 40-50 के रेंज में, और जो हाईलाइट है हाईलाइट को हम लोग कितना करेंगे, हाईलाइट को हम लोग बढ़ा लेंगे थोड़ा सा। जो लो लाइट है यहाँ पर लिखा हुआ लो लाइट को हम थोड़ा सा कर लेंगे कम, और कम करने के बाद हम लोग क्या करेंगे अपने बैकग्राउंड को ब्लर, ब्लर करने के लिए हम लोग को ब्लर वाला ऑप्शन को करना होगा ऑन। ये देखिए ब्लर का ऑप्शन है, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ब्लर को यहाँ से हम लोग कर देते हैं ऑन, ऑन करते हैं हम लोग कर देंगे गॉसियन। ये देखिए गॉसियन है यहाँ पर, इस वाले ब्लर इफेक्ट को हम लोग अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करते इसको हम लोग पूरा 100 कर देंगे, 50 पूरा 50 कर देंगे। यहाँ से हम लोग फोटो खोल लेंगे सेव, अपने फोटो को सेव करके हम लोग कहाँ चलेंगे, लैटरूम वाले एप्लीकेशन में अपने फ़ोटो को लेकर। तो हम लोग देख सकते हैं हम लोग का फोटो यहाँ पर है पूरा हाई क्वालिटी वाला, हम लोग इसको शेयर करेंगे लैटरूम एप्लीकेशन के अंदर में।
तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोग को फोटो है वो लाइटरूम वाला एप्लीकेशन के अंदर में आ चुका है। यहाँ से देखिए कैसे कैसे लाइट को कितना एडजस्ट करना है, फोटो के हिसाब से कितना लाइट, कितना कॉन्ट्रास्ट, कितना हाईलाइट, कितना शैडो रहेगा, वो चीज़ आप लोग देखिए परफेक्ट तरीके से आप लोग सिखाता हूँ, बताता हूँ कि आप लोग किस फोटो में कितना चीज़ कितना रखना चाहिए। तो आप लोग देखिए बता रहा हूँ, तो सबसे पहले आप लोग देखिए शैडो, आप लोग को यहाँ पर देखिए शैडो मिल जाएगा। तो हम लोग को देखिए फेस पर देखिए हम लोग को ब्लैक ब्लैक यहाँ पर आप लोग देखने के लिए मिलेगा। जब फेस पर होता है थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक रहता है, जैसे हम लोग शैडो बढ़ाते हैं ना थोड़ा सा व्हाइट टोन हम लोग को फेस में आ जाता है, जो कि बहुत ही अलग तरह का इफेक्ट देता है। जहाँ पर ब्लैक होता है वहाँ पर व्हाइट हो जाता है ऑटोमेटिक शैडो की सहायता से। देखिए यहाँ पर बिफोर आफ्टर देख सकते हैं आप लोग, बढ़ा दिया हम लोग व्हाइट को, और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, एक मीडियम बढ़ाना है। तो कितना रहेगा मीडियम आप लोग देखिए बताता हूँ, 10 से 15 के बीच में, ठीक ना। व्हाइट है तो व्हाइट को हम लोग कर देंगे कम, और जो ब्लैक नीचे ब्लैक लिखा हुआ मिल रहा है इसको हम लोग कर लेंगे 15 के रेंज में। शैडो और ब्लैक को टोटल इक्वल ही रखना है, ठीक ना। जो हाईलाइट है हाईलाइट को हम लोग कर देंगे कम, और कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेंगे लगभग 4 या 5 के बीच में, ठीक ना मेरे भाई। अब देखिए लाइट एडजस्टिंग हो जाने के बाद हम आ जाएंगे कलर वाले ऑप्शन पर, फिर हम लोग को यहाँ पर मिक्स कलर मिल जाएगा। मतलब मिक्स कलर पर जैसे ही आएंगे तो जो रेड कलर है ना, रेड कलर इसका हम लोग सेचुरेशन कम करेंगे ताकि हम लोग का जो फेस है वो हल्का सा वाइट हो जाए। फिर जो लुमिनेंस है इसको हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे ताकि हम लोग फेस पर जो रेड कलर है वो थोड़ा सा व्हाइट में चेंज हो जाए, ठीक। फिर हम लोग को देखो ऑरेंज कलर लेना है, ऑरेंज कलर का हम लोग सेचुरेशन हम लोग देखिए कम करेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि हम लोग जो फेस है उसमें थोड़ा सा मतलब व्हाइट मतलब जो फेस हम लोग ऑरेंज तरीके से वो व्हाइट हो जाए। तो लुमिनेंस को बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, हम लोग फेस और व्हाइट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखिए आगे के प्रोसेस में क्या करना है, जो यहाँ पर ब्लू कलर है ब्लू इसका हम लोग सेचुरेशन पूरा कम कर देंगे, और ग्रीन कलर का भी पूरा सेचुरेशन कम कर देंगे। और हम लोग आगे के प्रोसेस में क्या करना है, यहाँ से हम लोग फोटो करेंगे डन, और डन करने के बाद यहाँ से हम लोग फोटो को शेयर करेंगे स्नैपसीड वाले एप्लीकेशन में, क्योंकि हम लोग का फेस अभी बहुत ब्लैक दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे स्नैपसीड वाले एप्लीकेशन के अंदर में शेयर करेंगे पूरा चीज़, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग अपने फोटो को स्नैपसीड वाले एप्लीकेशन के अंदर में ले करके आ चुके हैं। तो हम लोग को टूल्स वाला ऑप्शन पाना है, फिर आप लोग यहाँ पर देखिए सिलेक्टिव का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है मेरे भाई। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को सिलेक्टिव का ऑप्शन मिलेगा। तो सिलेक्टिव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है आप लोगों को, फिर आप लोग देखिए यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है, तो आप लोग यहाँ पर ऐसे सिलेक्टिव वाला ऑप्शन पर लाना है, यहाँ से हम लोग को ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, ठीक कुछ इस तरीके से। नहीं तो आप लोगों को क्या करना होगा, ब्राइटनेस को बढ़ा लेना, ठीक। ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद अब देखिए कहाँ पर कम है हम लोग का, देखिए एक यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे जिस तरीके से हम यहाँ पर अपने फेस में वाइट टोन को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हम लोग का फेस है वो हल्का सा वाइट दिखे, ठीक ना। ज़्यादा नहीं करना है, नॉर्मली करना कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हम लोग फोटो को सेव करेंगे, और फिर से हम लोग अपने फोटो को शेयर करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले एप्लीकेशन में। हम लोग वहीं से अपने फोटो में बिल्कुल खतरनाक वाला हेयर एडिटिंग करेंगे, और आप लोग को बताएंगे और सिखाएंगे कि आप लोग कैसे करिएगा कीजिएगा, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं आप यहाँ पर ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर में आ चुका हूँ। हम लोग हेयर एडिटिंग कैसा करना है चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कितना फुल एचडी हाई क्वालिटी का हम लोग जो यहाँ पर हेयर है वो एडिट होता है, बिल्कुल मैं इसी क्वालिटी में बिल्कुल अपने हेयर को एडिटिंग करने वाला है। पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलते हैं आप लोग ऑटो स्केचबुक वाले एप्लीकेशन में, और अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोग को फोटो है कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम लोग अपने हेयर को कैसे एडिट करना है, तो सबसे पहले हम लोग आना होगा ब्रश वाला टूल पर, और ब्रश वाला टूल पर ही आप लोग यहाँ पर देखिए आर्टिस्ट मिल जाएगा। आर्टिस्ट वाला ऑप्शन पर जैसे ही आएगा तो आप लोग यहाँ पर देखिए हेयर, ये इसका नाम इस वाले ब्रश का नाम हेयर है, तो हमने इस वाले ब्रश को ले लेंगे, ठीक। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका हम लोग फॉलो और स्ट्रेंथ को देखिए कुछ इस तरीके से रखें, कितना कितना रखना है आप लोग इसका स्क्रीन शॉट जरूर से ले लीजिएगा। और लेने के बाद देखिए हम लोग अपने हेयर में चलाना है, देख सकते हैं बिल्कुल रियल हेयर की तरह ही चलेगा ये वाला ब्रश, देख सकते हैं आप लोग हेयर नाम है और बिल्कुल हेयर की तरह ही चलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं लगाते जा रहा हूँ, तो आप लोग इस वाले चीज़ का ध्यान अच्छे से रखिएगा। तो आप लोग देखिए जैसे जैसे आप लोग हेयर रहेगा, ठीक है मेरा ध्यान देना है, जिस तरीके से आप लोग का हेयर रहेगा बस उसी तरीके से उसी पैटर्न में आप लोग को अपने हेयर में इस वाले ब्रश को चलाना है, ठीक है मेरा भाई। आप लोग देख सकते हैं कितना आराम से कितना अच्छे से और कितना बारीकी से चलाते जा रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान जरूर से रखिएगा, तभी आप लोग अच्छे से हेयर एडिटिंग का मास्टर बन पाएगा। समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को एक बार जरूर दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है भाई। अब देखिए कैसे करना है, जैसे जैसे हेयर जा रहा है, ठीक है मेरा भाई, जैसे जैसे हम लोग का हेयर जा रहा है सिर्फ उसी पोजीशन में उसी तरीके से देखिए कुछ इस तरीके से हम लोग को करते चले आना, देख सकते हैं बिल्कुल एक कोई भी बेकार चीज़ नहीं, सारा चीज़ रियल परफेक्ट चीज़ आप लोग के सामने लाइव प्रूफ कर रहा हूँ। ये नहीं कि आपको बता करके भाग जा रहा हूँ, वो आधा वीडियो ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा चीज़ पूरा बारीकी चीज़ देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए आप लोग को करना क्या होगा, फिर से हम लोग लेयर वाला ऑप्शन पर ना कलर वाला पर टाइप करके लेयर लेना है। इसका ब्लेंडिंग मोड हम लोग सॉफ्ट लाइट कर देंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे कलर ब्लैक, ब्लैक कलर ले लेंगे,
और यहाँ से हम लोग सॉफ्ट एयर ब्रश ले लेंगे, ऊपर की साइड से ट्रेडिशनल में आकर के सॉफ्ट एयर ब्रश ले लेंगे और इसका हम लोग ओपेसिटी लगभग 50 के रेंज में ही रखेंगे, ठीक ना। और देखिए कुछ इस तरीके से चला लेंगे, साइज का हम लोग साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि हम लोग का जो फेस है वो थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखने लगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ज़्यादा नहीं बस नॉर्मली तरीके से चलाना ताकि जहाँ जहाँ पर वाइट है वहाँ वहाँ ब्लैक हो जाए। अब देखिए हम लोग कुछ इस तरीके से हो गए, लेकिन हम लोग हेयर तो दिख ही नहीं रहा है, आप लोग यही कीजिएगा क्या सिखा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, बस यही चीज़ आप लोग को पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जाएंगे ब्रश वाला टूल पर, ठीक। हम लोग को नीचे की साइड में आना है, आप लोग यहाँ पर देखिए इंक पेन मिल जाएगा, इसका सेटिंग पाना है, इसके एडवांसड सेटिंग पाना है, प्रेशर पाना है, साइज विथ लाइट प्रेशर को हम लोग कर देंगे कम, साइज विथ हैवी प्रेशर को हम लोग कर देंगे कम। देख लीजिए, देख सकते हैं मैं कितना कितना करते जा रहा हूँ, लगभग 1.2 के रेंज में। जो ओपेसिटी विथ प्रेशर है इसको भी हम लोग बढ़ा लेंगे, फॉलो विथ हैवी प्रेशर इसको भी हम लोग बढ़ा लेंगे कुछ इतना। अब हम लोग यहाँ से ले लेंगे वाइट कलर, वाइट कलर लेने के बाद बस आप लोग, बस आप लोग को पूरा देखते जाना है, ठीक है भाई, आप लोग को अब पूरा देखते जाना है। यहाँ से हम लोग वाइट कलर ले लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं हम लोग को। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा अपने हेयर में कुछ इस तरीके से अपना हेयर में बिल्कुल छोटा छोटा स्ट्रोक मतलब पैटर्न देते जाना है। यही देखिए यही सेटिंग है, वही आप लोग देख सकते हैं, वही सारा कुछ है, कुछ चेंजिंग नहीं है, पूरा चीज़ रियल है। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे सपोर्ट दिखाते रहना ताकि आपका भाई बिल्कुल एकदम वायरल हो जाए, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि इस टाइम वायरल है ही है, लेकिन आप लोग और भी सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि आप लोग चाहते हैं तभी सब सारा कुछ हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग मेरे भाई साहब है, ठीक ना, आप लोग मेरे भाई है, तभी आप लोग मैं देखिए सारा चीज़ एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी से सिखाता हूँ और बताते जाता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे कोई भी जितने भी सब्सक्राइबर मेरे से जो सीख के जाए बिल्कुल कॉन्टेक्ट और बिल्कुल सटीक नॉलेज लेकर के जाए, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है मेरे भाई, इसलिए मैं आप लोग पूरा चीज़ सिखाता हूँ बताता हूँ, ताकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर बिल्कुल सॉलिड नॉलेज ले, सॉलिड चीज़ सीखे, एकदम परफेक्ट चीज़ सीखे, बिल्कुल ट्रेंडिंग चीज़ सीखे, ताकि अपने जो कम जिनका फॉलोअर वो भी ट्रेंडिंग में आ सके, ट्रेंडिंग है एडिटिंग करके, इसलिए मैं आप लोग को पूरा चीज़ बारीकी में सिखाता हूँ बताता हूँ, ताकि मेरे जितने भी भाई लोग हैं जितने भी मेरे पहले सब्सक्राइबर लोग हैं वो मतलब अच्छे से सीख पाए, एक मतलब कंठस्थ नॉलेज ले जाए, ठीक ना, ये नहीं कि थोड़ा सा डाउट में ये चीज़ क्या होता है वो चीज़ क्या होता है, ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा चीज़ बिल्कुल नॉलेजेबल चीज़ सीखे। आप लोग देख सकते हैं कितना परफेक्टली तरीके से हम लोग का जो हेयर है उसमें लगते जा रहा है, ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग पूरा हेयर में आप लोग देख सकते हैं, खुद आप लोग देखिए मैं किस तरीके से लगाते जा रहा हूँ, यही आप लोग को अच्छे से सीखना है, ठीक है मेरे भाई, तभी आप लोग अच्छे से अपने हेयर को एडिटिंग कर पाइएगा, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते कितना आसानी तरीके से मैं करते आ रहा हूँ, अब देखिए मैं किस तरीके से लगाते जा रहा हूँ, कैसे चेंज करता हूँ ट्रैक को, यही चीज़ आप लोग को वीडियो को बार बार देख करके समझना रहेगा, ठीक है मेरे भाई, ये चीज़ जो समझ गया ना भाई साहब मैं बता रहा हूँ वो मास्टर बन जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग अगर ये चीज़ बार बार कहेगा तो 100% सीख जाएगा। आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग का जो हेयर है जो ब्रश चलाए थे वो उस टाइम हम लोग का जो हेयर है वो हेयर तरीके से नहीं दिख रहा था, अब लेकिन अब देखिए कितना परफेक्टली तरीके से दिख रहा है, आप लोग खुद देख सकते हैं कितना आसान, कितना आराम, कितना बेहतरीन दिख रहा है हम लोग का हेयर। थोड़ा सा अब इसमें क्या करेंगे, अब देखिए अभी तो हम लोग को नहीं दिख रहा होगा अच्छा, लेकिन अब देखिए क्या करना है, अब हम लोग इसका जो साइज भी था ना, साइज भी जो हैवी प्रेशर है इसको हम लोग और कम करेंगे, लगभग 0.8 कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए इससे क्या होगा देख सकते हैं आप लोग, अब इसको हम लोग क्या करना है, बहुत ज़्यादा यही चीज़ को हम लोग एक बार बहुत ज़्यादा चला लेंगे अपने हेयर में, ठीक ना, यही चीज़ को देखिए बहुत ज़्यादा चला लेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे, ठीक है मेरे भाई, देखिए आप लोग देख सकते हैं अब इसी चीज़ को थोड़ा सा साइज को कम करके चला लेंगे और बिल्कुल हम लोग का जो हेयर है बिल्कुल खतरनाक तरीके से बन जाएगा। तो हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, ठीक है मैं आप लोग को सारा प्रोसेस तरीका बता दिया हूँ, ठीक, तो हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जय श्री राम।